नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 जनवरी। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार स्थानीय निकायों के 5,547 प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण आज। इस महीने से शुरू होगा बिहार में हर घर नल जल का सर्वे। मुजफ्फरपुर के सहबाज नदीम ने फर्स्ट क्लास में पूरे किए 500 विकेट। जुर्माना नहीं भरा तो वाहन प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होगा जारी। केंद्र सरकार ने फर्जी खबर दिखाने वाले 6 यूट्यूब चैनल को किया बैन। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। NPCIL ने 295 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने विभिन्न ट्रेड में ग्रेड अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 295 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को रेलिवेंट ट्रेड में ITI पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समस्त जरूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 25 जनवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.npcil.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार स्थानीय निकायों के 5,547 प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण आज। नगर निकाय चुनाव में निर्वाचित प्रतिनिधियों का आज शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। बता दें कि यह पहली बार होगा जब प्रदेश में मेयर और डिप्टी मेयर के लिए हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करवाया जाएगा। इस दौरान 5,547 निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण दिलाया जाएगा, जिसमें 224 मुख्य पार्षद, 224 उप मुख्य पार्षद और 5,099 वार्ड पार्षद को शपथ दिलवाया जाएगा। निर्वाचित प्रतिनिधि 17 नगर निगम, 70 नगर परिषद और 137 नगर पंचायत शामिल है। साथ ही आयोग ने यह भी बताया है कि नगर निगम के पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद का शपथ ग्रहण जिला पदाधिकारी के द्वारा जिले में करवाया जाएगा। वहीं नगर परिषद में जिलाधिकारी द्वारा उप सचिव के पदाधिकारी द्वारा पार्षदों, उप मुख्य पार्षदों और मुख्य पार्षदों को शपथ दिलवाया जाएगा। इसी तरह से नगर पंचायत में वरीय उप समाहर्ता या ऊपर के पदाधिकारियों के द्वारा शपथ दिलवाया जाएगा। कार्यक्रम स्थल के 500 मीटर की दूरी पर धारा 144 लागू रहेगी। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे रामशिला हिल के बारे में। गया के दक्षिण पूर्व की ओर स्थित रामशिला हिल को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि भगवान राम ने पहाड़ी पर पिंडा की पेशकश की थी। पहाड़ी का नाम भगवान राम से जुड़ा है। प्राचीन काल से संबंधित कई पत्थर की मूर्तियां पहाड़ी के आसपास के स्थानों पर देखी जा सकती है, जो कि बहुत पहले के समय से कुछ पूर्व संरचनाओं या मंदिरों के अस्तित्व का सुझाव देती है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित मंदिर, जिसे रामेश्वरा या पातालेश्वर मंदिर कहा जाता है, मूल रूप से 1014 AD में बनाया गया था, लेकिन सफल अवधि में कई बहाली और मरम्मत से गुजरा। मंदिर के सामने हिंदू भक्तों द्वारा अपने पूर्वजों के लिए पितृपक्ष के दौरान पिंड चढ़ाया जाता है। इस महीने से शुरू होगा बिहार में हर घर नल जल का सर्वे। बिहार में हर घर नल जल योजना का सर्वे चयनित तकनीकी एजेंसी के माध्यम से फरवरी माह से शुरू होने वाला है। बता दें कि सर्वे के तहत उन घरों को चिन्हित किया जाएगा जहां अब तक इस योजना को नहीं पहुंचाया जा सका है। इन घरों को चिन्हित कर मार्च तक इन घरों में भी हर घर नल जल योजना के तहत पानी पहुंचवा दिया जाएगा। बता दें कि सर्वे में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें इस योजना से जुड़ी सभी शिकायतें और लाभों के बारे में जानकारी दी गई होगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए काम शुरू किया जाएगा। PHET के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगर किसी घर तक इस योजना को पहुंचाने में दिक्कत आएगी तो उस घर को किसी और योजना से जोड़कर उस घर को साफ पानी उपलब्ध कराया जाएगा। समाधान यात्रा में CM नीतीश ने किया बिहार के दूसरे तारामंडल का शुभारंभ। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा के दौरान दरभंगा पहुंचे, जहां नीतीश कुमार ने दलित बस्ती का निरीक्षण किया और वहां के लोगों से बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने भटपुरा में सड़क के किनारे लगे मखाना कृषि प्रसंस्करण के प्रदर्शनी का अवलोकन किया और साथ ही वहां काम कर रहे लोगों को उनकी समस्याओं को खत्म करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी मखाना केवल 21 देशों तक पहुंचा है, लेकिन हमें पूरे विश्व में हर थाली में मखाना का व्यंजन पहुंचाना है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने बिहार के दूसरे तारामंडल का शुभारंभ किया, जिसका निर्माण दरभंगा पॉलिटेक्निक परिसर में किया गया है। बता दें कि इस तारामंडल का निर्माण 88 करोड़ की लागत से किया गया है, जिसमें 300 बेड का ऑडिटोरियम भी शामिल है।
बिहार में जोरों शोरों से चल रही है मकर संक्रांति की तैयारी। मकर संक्रांति को लेकर बिहार में तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। वहीं इस बार लोगों को दूध दही की किल्लत नहीं होने वाली है, क्योंकि इसके लिए सुधा डेयरी भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है। बता दें कि मकर संक्रांति के अवसर पर सुधा डेयरी ने अपनी कमर कस ली है, ताकि वह लोगों को दूध दही से लेकर तिलकुट और पेड़ा तक उपलब्ध करा सके। जानकारी के लिए बता दें कि इस साल सुधा डेयरी के द्वारा पिछले साल के मुताबिक ज्यादा दूध दही बेचने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं जिस स्थान पर भी दूध और दही की किल्लत होगी, वहां दूध टैंकर और दही एक्सप्रेस से दोनों चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके लिए सुधा ने अपना हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसका रिटेलर के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही इस बात पर भी निगाह रखा जाएगा कि किल्लत का फायदा उठाकर कोई रिटेलर ज्यादा कीमत न वसूल सके। मुजफ्फरपुर के शहबाज नदीम ने फर्स्ट क्लास में पूरे किए 500 विकेट। मुजफ्फरपुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर शहबाज नदीम के द्वारा प्रथम श्रेणी के 129 मैच में खेलकर 500 विकेट पूरा करते वेस्ट जोन में ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। बता दें कि इस लिस्ट में पहले नंबर पर बंगाल क्रिकेट टीम के खिलाड़ी उत्पल चटर्जी का नाम शामिल है, जिन्होंने 129 मैचों में कुल 503 विकेट लिए हैं। वहीं शहबाज नदीम ने जमशेदपुर के किरण स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ के खिलाफ खेले जा रहे मैच में 2 विकेट लेकर अपनी विकेटों की संख्या 501 कर ली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नदीम मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के चंदवाड़ा के रहने वाले हैं। पहले चरण में मार्च तक बिहार के हर गांव में लग जाएंगी सोलर स्ट्रीट लाइट। बहुत जल्दी अब बिहार का हर गांव रोशन होने वाला है। बता दें कि अब राज्य के हर ग्राम पंचायत के कम से कम 4 वार्डों को रोशन करने के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की शुरुआत कर दी गई है, जिसे मार्च 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद शेष वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम अप्रैल माह से शुरू किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस काम को करने के लिए सरकार के द्वारा 10 एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं इन सोलर स्ट्रीट लाइटों का मेंटेनेंस का काम भी सरकार के द्वारा अगले 5 साल तक इन्हीं एजेंसियों को दिया गया है। मालूम हो कि इन सभी सोलर स्ट्रीट लाइट को रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा, ताकि राजधानी में रहते हुए इस बात की जानकारी मिल सके कि कितनी लाइट जल रही है और कितनी नहीं। गन्ना किसानों को बीज और अनुदान देने के लिए बन रहा सॉफ्टवेयर। गन्ना उद्योग विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब बिहार में गन्ना किसानों को बीज वितरण एवं अनुदान देने के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि अब इसी सॉफ्टवेयर के जरिए किसानों को बीज का वितरण और अनुदान का भुगतान किया जाएगा। हालांकि अब तक इस सॉफ्टवेयर के निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ है, और जब तक इसके निर्माण का कार्य पूरा नहीं होता, तब तक किसानों को ऑफलाइन तरीके से ही बीज वितरण किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि किसानों को सॉफ्टवेयर के जरिए अपना बीज और अनुदान पाने के लिए ऑनलाइन तरीके से गन्ना की खेती का ब्यौरा दाखिल कर आवेदन करना होगा। इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों की अटेंडेंस कम को लेकर प्राचार्यों से मांगा गया ब्यौरा। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों की उपस्थिति को कम होते देख विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के द्वारा कॉलेज के सभी प्राचार्यों को सख्त निर्देश देते हुए बच्चों की उपस्थिति का ब्यौरा मांगा गया है। बता दें कि विभाग के द्वारा यह साफ तौर पर प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वैसे बच्चों का परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जाएगा जिनकी उपस्थिति कक्षा में 75% से कम रहती है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि जिन छात्रों की उपस्थिति कक्षा में कम है, उनके अभिभावकों से प्राचार्यों के द्वारा बातचीत की जाए, ताकि छात्र नियमित कॉलेज आ सके। वही विभाग का कहना है अब शिक्षकों के साथ साथ छात्रों के लिए भी बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य किया जाएगा। केंद्र सरकार ने फर्जी खबर दिखाने वाले 6 YouTube चैनल को किया बैन। केंद्र सरकार के द्वारा उन YouTube चैनलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है जो लोगों तक फर्जी खबर पहुंचाते हैं। दरअसल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 YouTube चैनल को बैन कर दिया है जो फर्जी खबर दिखाते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी चैनल ऐसे हैं जिनके सब्सक्राइबर लाखों और हजारों में है। बताते चलिए कि जिन 6 YouTube चैनल को बैन किया गया है, उनमें नेशन टीवी, संवाद टीवी, सरोकार भारत, नेशन 24, स्वर्णिम भारत और संवाद समाचार शामिल है। बिहार में लोगों को ठंड से नहीं मिलेगा राहत। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सूबे के कई जिलों में सीवियर कोल्ड डे और कोल्ड डे दोनों की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश के सभी जिले घने कोहरे की चपेट में हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज से राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में अत्यधिक ठंड दिन की जनस्थनत रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व भागों में शीत दिवस की जनस्थनत रहने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य के एक या दो स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पछुआ और उत्तर पछुआ हवा की गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी पूरे प्रदेश में। इसके चलते दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं रात के तापमान में 24 घंटे तक कोई बदलाव नहीं होगा।
बिहार के सीतामढ़ी में बाघ के पांव का निशान देखने से दहशत में ग्रामीण बिहार के सीतामढ़ी में बाघ के पांव का निशान देखने से दहशत में ग्रामीण बिहार के सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के पनौरा गांव से बाघ देखे जाने का मामला सामने आया है। बता दें कि ग्रामीणों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बीते दिन बाघ ने दो घोड़ों पर हमला कर घायल कर दिया। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि करीब एक सप्ताह पहले बाघ के द्वारा यहां दो महिलाओं पर भी हमला किया गया था। इस दौरान काफी छानबीन भी की गई थी लेकिन बाघ का नामो निशान नहीं मिला था। बता दें कि बीते दिन हुए इस घटना के बाद वन विभाग की टीम हरकत में आ गई है और बाघ के पैरों के निशान के अनुसार उसे खोजने में जुट गई है। जुर्माना नहीं भरा तो वाहन प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होगा जारी। फरवरी से उन व्यक्तियों के वाहनों का वाहन प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा जो परिवहन नियमों का उल्लंघन करते हैं और जुर्माना नहीं भरते हैं। हालांकि इस नियम को फरवरी से लागू किया जाएगा। बता दें कि इस नियम को लागू करने के पीछे का कारण यह है ताकि जो भी लोग परिवहन नियमों का उल्लंघन करते हैं वह सही समय पर जुर्माना भर दे। इस बात की जानकारी राज्य परिवहन आयुक्त सीमा त्रिपाठी के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है। बता दें कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान 11 से 17 जनवरी तक लोगों को परिवहन के नियम से जुड़ी जानकारी और उसे पालन करने के बारे में जागरूक किया जाएगा। बिहार के इन शहरों से होकर गुजरेगी पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 450 किलोमीटर लंबी पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे का डीपीआर बनाने की अनुमति दे दी गई है। बता दें कि डीपीआर और अलाइनमेंट को तैयार करने की जिम्मेदारी मंत्रालय के द्वारा एनएचएआई को दी गई है। अब आने वाले 6 महीने में पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे को अलाइनमेंट तैयार कर डीपीआर को फाइनल कर दिया जाएगा। इन सब के बाद भूमि अधिग्रहण का काम पूरा किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण होने से बिहार समेत झारखंड और बंगाल को भी काफी फायदा मिलने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह एक्सप्रेसवे बिहार के पटना के बख्तियारपुर से शुरू होते हुए नालंदा शेखपुरा जमुई को जोड़ते हुए झारखंड और कोलकाता जाएगी। भूदान भूमि वितरण जांच आयोग को मिला अवधि विस्तार। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा भूदान भूमि वितरण जांच आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को 28 फरवरी तक का सेवा विस्तार दिया गया है। बता दें कि सरकार के द्वारा जिन अध्यक्ष व सदस्यों को सेवा विस्तार दिया गया है उनमें आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अशोक कुमार चौधरी और सदस्य के रूप में काम कर रहे बिहार प्रशासनिक सेवा के रिटायर विनोद कुमार झा को 17 जनवरी से 28 फरवरी तक का सेवा विस्तार दिया गया है। वहीं सूची में तीसरा नाम दूसरे सदस्य के रूप में काम कर रहे रामविलास पासवान का नाम शामिल है जिन्हें 7 जनवरी से 28 फरवरी तक का अवधि विस्तार दिया गया है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे श्यामानंद जालान के बारे में। श्यामानंद जालान का जन्म आज ही के दिन बिहार के मुजफ्फरपुर में 1934 में हुआ था। ये कोलकाता के एक प्रभावशाली भारतीय अभिनेता थिएटर निर्देशक और अभिनेता थे। उन्हें 1960 से 1980 के दशक में आधुनिक भारतीय रंगमंच और विशेष रूप से कोलकाता में हिंदी रंगमंच के पुनर्जागरण काल के लिए श्रेय दिया जाता है। 2005 में उन्होंने अपनी पहली और एकमात्र फिल्म ईश्वर माइम कंपनी का निर्देशन किया जो कि विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित दिव्यंतु पालित की कहानी मुखाभिनय का रूपांतरण था। मंचीय नाटकों में एक अभिनेता के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्हें भारत में डॉन के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए अच्छी तरह से याद किया जाता है। उन्होंने निर्देशन के लिए 1972 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। संगीत नाटक अकादमी भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया और बाद में अकादमी के उपाध्यक्ष बने रहे। शिक्षा मंत्री ने अपने विवादित बयान पर दिया जवाब। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अपने द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर जवाब दिया है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मेरा बयान बहुजनों के हक में है और मैं उस पर अडिग व कायम रहूंगा। ग्रंथ की आड़ में गहरी साजिश से देश में जातीयता व नफरत का बीज बोने वाले बापू के हथियारों के प्रतिक्रिया की परवाह नहीं करता। वे इस कटु सत्य को विवादित बयान समझते हैं तो यह उनकी समझ हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारी जीभ काटने का 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे तो भैया दे दो, कोई तो अमीर होगा। उन्होंने कहा कि हम तो जलने वाले लोग हैं, जो जलेगा नहीं वो निखरेगा नहीं। सूर्य जलता है तो दुनिया प्रकाशित होती है। वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता ने प्रशांत किशोर पर किया पलटवार। पूर्व मंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की पार्टी के प्रवक्ता देव ज्योति ने प्रशांत किशोर के द्वारा दिए गए बयान पर कि वे मछली खिलाने नहीं बल्कि मछली कैसे पकड़ा जाए वह सिखाने आए हैं पर पलटवार करते हुए उन पर तंज कसा है। देव ज्योति ने कहा कि मल्ला समाज केवल मछली पकड़ना ही नहीं जानता बल्कि वह अन्य दूसरे दलों की राजनैतिक वैतरणी को भी पार लगाने में भी सक्षम है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि मल्लाहों ने भगवान श्री राम से लेकर अब तक
समाज के हित में काम किया है। आज भी मल्ला समाज अपनी एकता के दम पर किसी भी पार्टी की सरकार बनाने या बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। प्रशांत किशोर अपने पदयात्रा के दौरान सरकार की कमियों की तरफ ध्यान आकृष्ट कराए, न कि वो मछली पकड़ने या खिलाने की बातें करे, क्योंकि लोगों में इतनी जागृति तो है कि वो अपने हित और अहित का फैसला ले सके। राम से शुरू हुई बहस शिक्षा मंत्री के जाति तक पहुंची। बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान पर विपक्ष लगातार हमलावर है। वहीं अब यह मामला राम से बढ़कर मंत्री जी के जाति तक पहुंच गया है। बता दें कि बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद के द्वारा शिक्षा मंत्री का एक वीडियो ट्वीट पर शेयर कर कहा गया है कि बिहार के शिक्षा मंत्री महाबोगस ही नहीं महाझूठा आदमी है। आत्ममुग्धता भरा प्रवचन सुनिए। सिर्फ चंद्रशेखर लिखते हैं, नाम के आगे पीछे कुछ नहीं लिखते, यानी जाति से ऊपर उठ गए हैं। चुनावी पर्चा में यादव लिखकर वोट मांगते हैं, काम करो, बकवास बंद करो, छात्र युवाओं को बेवकूफ मत बनाओ। दरअसल इस वीडियो में शिक्षा मंत्री बताते नजर आ रहे हैं कि वो अपने नाम के आगे और पीछे कुछ नहीं लिखते। कई लोग उनसे उनकी जाति पूछते थे, जिस पर वो कहते थे कि जैसा प्रभु ने सुंदर बनाया है और जिस रूप में आप देखते हैं वो कम है क्या। अगले महीने पटना में प्रियंका गांधी करेंगी रैली। अगले महीने यानी कि फरवरी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बिहार की राजधानी पटना आने वाली हैं। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा बिहार में हो रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए पटना पहुंच रही हैं। इस बात की जानकारी बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा दी गई है। बता दें कि पटना में प्रियंका गांधी वाड्रा के आने पर एक बड़ी रैली का भी आयोजन किया गया है, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस रैली का आयोजन राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित की जाएगी। दरअसल बिहार में कांग्रेस को जमीनी स्तर से मजबूत बनाया जाए, इसलिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर बिहार में भी पदयात्रा निकाली गई है। भारत ने श्रीलंका को दूसरे वनडे में हराकर जीता वनडे सीरीज। भारत ने श्रीलंका को दूसरे वनडे में हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। कोलकाता के ईडन गार्डन में श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, जिसे भारतीय गेंदबाजों ने गलत साबित कर दिया। भारतीय गेंदबाज मैच में पूरी तरह हावी रहे और नतीजतन श्रीलंकाई टीम 39.4 ओवरों में सिर्फ 215 रनों पर सिमट गई। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और स्पिनर कुलदीप यादव ने 3-3 विकेट चटकाए, जबकि तूफानी तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने 2 विकेट झटके। वहीं स्पिनर अक्षर पटेल को भी 1 विकेट मिला। श्रीलंका की तरफ से ओपनर नुवांतु फर्नांडो ने सबसे अधिक 50 रन बनाए। उन्हें शुभमन गिल ने रन आउट किया था। 216 रनों के लक्ष्य को भारत ने श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या की पारियों के बदौलत हासिल कर लिया और इस तरह भारत ने T20 के बाद वनडे सीरीज में भी अपना नाम कर लिया। भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे मैच रविवार 15 जनवरी को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने 1709 में अपने तीसरे भाई काम बख्श को हैदराबाद में हराया। उदयपुर के राणा ने 1818 में मेवाड़ प्रांत की रक्षा के लिए ब्रिटिश सेना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए 1948 में आमरण अनशन शुरू किया। भारत के पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 1964 में हिंदू और मुसलमानों के बीच भयानक सांप्रदायिक दंगे हुई, जिनमें करीब 200 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला 2009 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बनाए गए। 1949 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय विंग कमांडर राकेश शर्मा का जन्म हुआ। 1978 में भारतीय अभिनेता अस्मित पटेल का जन्म हुआ। भारत के प्रसिद्ध तबला वादक अहमद जान थिरकवा का 1967 में निधन हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री के इस्तीफे के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री के इस्तीफे के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि यह दावा फर्जी है। ऑनलाइन फ्रॉड से रहना चाहते हैं सुरक्षित तो अपनाएं ये आसान टिप्स। बीते कुछ सालों में भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है, इससे विकास को एक नई गति भी मिली है। मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंटरनेट के विस्तार के साथ ही इससे जुड़े खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम कुछ सावधानी बरतकर इन खतरों से बच सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही टिप्स बताने जा रहे हैं जो आपको सुरक्षित इंटरनेट सर्फिंग में मदद करेंगे। इन आदतों को अपनी डेली लाइफ में शामिल करने से आप कई खतरों से बच जाएंगे। इसके लिए आप नया
साल शुरू होते ही अपने सभी ऑनलाइन अकाउंट के पासवर्ड को रिव्यू करें और उन्हें अपडेट करें। इस बात का ध्यान रखें कि आपका पासवर्ड यूनिक और जटिल हो। डाटा ब्रीच अलर्ट के लिए साइन अप करें, VPN का इस्तेमाल करें, दस्तावेजों को एनक्रिप्टेड स्टोरेज में ट्रांसफर करें और इसके साथ ही अपने बच्चे के डिजिटल उपयोग की भी जाँच करें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है वेद प्रकाश सिंह, अंबिका कंठ, रंजीत मिश्रा, शमशाद अहमद, पंकज कुमार दास, अमर राम मंडल, मोहम्मद सकीर हुसैन, उमेश ऋषिदेव, ओम प्रकाश, रूपेश कुमार, शंकर मुखिया, सरोज कुमारी, संजीव सिंह, अनवर करीम खान, निरंजन कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में हर घर नल जल योजना के तहत साफ सुथरा जल पहुंच पा रहा है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।